हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक क्यूरीज। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 मल्टीबैगर कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन दिस मुहूर्त ट्रेडिंग। सो लेट्स गो। पहले नंबर पर है इंफोसिस। इंफोसिस इंडिया की सेकेंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। बेहतरीन रिटर्न एंड डिविडेंड भी बेहतरीन देती है। आज कंपनी 1702.50 रुपीस पर क्लोजिंग हुई है। कंपनी का पीई रेशियो 34.28 है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में 2.24% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 60.24% का रिटर्न दिया है। पिछले पाँच साल में कंपनी ने 252.17% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। डिविडेंड भी कंपनी वन ईयर में 3 to 4 times देती है। दूसरे नंबर पर है इंडिया मार्ट। इंडिया की सिंगल कंपनी B2C बिजनेस में डील करती है, यानी बायर्स टू कस्टमर्स। अभी हेवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट 10 years में कितनी बड़ी कंपनी होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कास कंपनी 7330 रुपीस पर क्लोजिंग हुई है। कंपनी का पीई रेशियो 73.22 है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में निगेटिव -11.79% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 54.93% का एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर है दीपक नाइट्रेट। इंडिया की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज कंपनी 2271 रुपीस पर क्लोजिंग हुई है। कंपनी का पीई रेशियो 29.13 है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में निगेटिव 4.67% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 250.19% का रिटर्न दिया है। कंपनी पिछले पाँच साल में 2026% का एनुअल रिटर्न दिया है। चौथे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनी जो 20 साल में नहीं बनेगी। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका। आज कंपनी 1844 रुपीस पर क्लोजिंग हुई है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में निगेटिव 1.59% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 34.22% का रिटर्न दिया है। पाँच साल में कंपनी ने 385.10% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पाँचवें नंबर पर है HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। वर्ल्ड का टॉप 10 बैंक में एक है। आज इसकी क्लोजिंग प्राइस 1581 पर हुई है। बैंक का पीई रेशियो 25.59 है। HDFC बैंक में ने पिछले वन मंथ में निगेटिव यानी 0.08% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने 26.72% का रिटर्न दिया है। पिछले पाँच साल में बैंक ने 152.03% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। छठे नंबर पर है PI इंडस्ट्री। PI इंडस्ट्री मल्टीबैगर कंपनी एग्रोकेमिकल की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी सब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल है। 200 मूविंग एवरेज के पास है। ओवरसोल्ड जोन में है। आज कंपनी 2731 रुपीस पर क्लोजिंग हुई है। कंपनी का पीई रेशियो 53.14 है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में निगेटिव यानी 11.89% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में कंपनी ने 22.89% का एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले पाँच साल में कंपनी ने 203.14% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सातवें नंबर पर है डॉक्टर लालपत लैब। डॉक्टर लालपत लैब इज़ एन इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर। आज कंपनी 3617 रुपीस पर क्लोजिंग हुई। कंपनी का पीई रेशियो 74.16 है। कंपनी ने पिछले वन मंथ में निगेटिव यानी 2.42% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में कंपनी ने 57.29% का रिटर्न दिया। पिछले पाँच साल में कंपनी ने 202.97% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। ये सारी कंपनी मल्टीबैगर कंपनी है, अगले 10 साल में करोड़पति बना सकती है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टॉक क्यूरीज को।